प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदरलाल सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अप्रतिम भी बढ़िया है। आप हार गया सुंदर भाई, खरेखर गणित सोची विंग बना बीटा मने। हाँ वाह वाह वीना। सुंदर भाई आपने हमारे विंग पे जो सूर्य देव और कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई है ना, वो तो एक सोने पे सुहागा है। थैंक यू और वेलकम। और सुंदर प्रा, पंजाब में मेरे चाचा जी ने बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा, उसको बनाने की अभी जिम्मेदारी तेरी है। अरे छोटे भाई आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो समझ लो कि मकान बन गया चाचा जी को भेज दो रहने के लिए। सुंदर भाई आपने तो हमारी विंग को ऐसा सजाया है जैसे लगता है 56 तरह की मिठाइयां थाल में सजा के रखी गई हो। क्या बात है, क्या बात है। भाई अभी हमारी विंग देखने के बाकी है। भाई सुंदर चल अभी हमारी विंग दिखा। चल चलो चलो सब लोग चलो मेरे साथ आइए। अब आप सब लोगों को मैं दिखाता हूँ ये विंग।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पोपड़लाल देखो अपना विंग कितना बढ़िया बनाया है। क्या बढ़िया, अपने विंग का एंट्रेंस कहाँ है? अरे विंग में जाने का एंट्रेंस कहाँ है? ओ माय गॉड, ये एंट्रेंस ही गायब कर दिया सुंदर ने, अभी जाएंगे कैसे ऊपर? वेरी रॉन्ग कंस्ट्रक्शन भतीजा, इतनी बड़ी मिस्टेक ये कैसे कर सकते हैं? बराबर है नटू काका, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। वेरी राइट। ऊपर कैसे जाएंगे? वो पता पकड़ गया, वो मेरे को तो जमेगा भी नहीं। ये भाई है जमेगा। सुंदरलाल, ओ सुंदरलाल, क्या जीजा जी कैसा लगा? क्या क्या जीजा जी? ओ सुंदरलाल, ओ भाई, ओ सुंदरलाल, क्या भाई हमारे विंग का एंट्रेंस का है? हम लोग घर पर कैसे जाएंगे? अरे हमारे विंग का एंट्रेंस कहाँ पे है? बबीता जी, ये सुंदर लाल हमारी विंग का एंट्रेंस बनाना ही भूल गया। तू मुझे बोल रही थी ना शक मत करो, शक क्यों करते हैं मेरे वीरा पे? अभी बता, हाँ? अभी शक नहीं करो तो क्या करो? जीजा जी, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, आप मुझ पर शक मत करो। क्यों नहीं करो भाई, क्यों नहीं करो? ये बबीता जी की विंग में, जेठालाल मैं भी इसी विंग में रहता हूँ भाई, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई, ये सी विंग का गेट किधर है? जीजा जी, आपके शक पर से अभी पर्दा उठाता हूं। नटू काका, एंट्रेंस यहाँ से है। Then I'm wrong. ये पोपटलाल क्या भाई, तू भी ऐसा बिना सोचा समझा किसी पर भी शक करने का? अरे खुद तो शक करता है, मुझे भी मतलब दूसरों को भी शक करवाता है। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, सुंदर लाल, कमाल कमाल भाई, बहुत बढ़िया। तुम चिंता मत करो, सब एकदम परफेक्ट हुआ है। ऊपर ऊपर एक छुपा रुस्तम, गिली गिली गी, बहुत छुपा रुस्तम है तू, है कहाँ से प्रकट किया है गेट, जादू कर दिया तूने तो एकदम जादूगर। चल चल अभी हमारा जल्दी विंग दिखा भाई, जल्दी बताता हूँ। एंट्रेंस अभी इधर से है। अरे जितना कुदा हो कुद लो, एकदम पक्का काम है। अरे क्या सुंदरलाल, अरे क्या मस्त सजा है तुमने, क्या बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा सुंदर भाई, आपने दिल खुश कर दिया। अरे वाह, ये तो एकदम अच्छा हो गया, बबीता जी के विंग का गेट हमारे घर से एकदम नजदीक आ गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। क्या जीजा जी, कैसा काम किया है मेरी सुंदर वीरा ने? अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया है, अभी मैं इतना खुश हूँ कि ये एक ले। अरे ले भाई, खुशी बैठ समझ के ले 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 वीरा, ले 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 लाई। सुंदर भाई, अब हमें हमारी विंग दिखाइए ना जल्दी। हाँ हाँ मामा प्लीज। चल भाई, हमारी विंग से पर्दा उठा भाई, हमको दिखा हमारी विंग। अभी मेरी तालावेली बढ़ती जा रही है, अभी जल्दी पर्दा नहीं गिराया तो मैं अपने हाथों से पर्दा से खींच के नीचे गिरा दूंगा। ओके माय डियर जीजा जी, आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई, तो अब आपके सामने पेश
कैसे। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये विंग। ये डी विंग है, वहां पे तुमने क्या लिखा है बी? तो ये बी विंग नहीं है? अरे अरे भाई बी विंग तो ये है, हम लोग रहते हैं वो। हम लोगों का फ्लैट है बी विंग में। अभी हम लोग क्या इधर रहने आ जाए? ओ कोई गल नहीं यारो, अपना पोस्टर एड्रेस चेंज कर दो, बी से डी, डी से बी। अरे वो करने की जरूरत नहीं है, मैं अल्फाबेट चेंज कर दूंगा और वो भी फ्री। अरे भी क्या कर रहे हो, गलती की भाई इतनी बड़ी। अभी अभी कौन सा आएगा यहाँ पे? डी। हाँ भाई, हर बार तू क्या इधर से उधर इधर से। वाह सुंदर है, वाह। अगर मोहन भाई हाजिर होते ना तो खुशी से अपने बंदूक से दो चार गोलियां मार देते। किसको? किसी को नहीं, हवा में। और भाई मैं तो इधर हाजिर हूँ तो कभी दिखाएगा भाई हमारी विंग? अरे धीरज रखो जीजाजी, धीरज ना फल मीठा। और एक कहावत सुनी है तूने, विलंब ना फल माठा। सब लोग अपना दिल थाम के बैठिए। बड़ो 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 बड़ो। मतलब क्या? खड़े रहिए, खड़े रहिए। क्या तू क्या सुनती है तू? तो सुंदरलाल आपके सामने वो चीज पेश करने जा रहा है जो उसने बहुत दिल से बनाई है। दिखाओ दिखाओ। दिखाता हूँ, वो है टप्पू सेना की खास फरमाइश। ऑफिस भी बढ़िया बना दी है। तो पता चला ना 5 लाख खर्च ज्यादा कहाँ हुआ? अरे 5 लाख क्या, 5 लाख से भी ज्यादा खर्चा हुआ लगता है। नहीं कुछ नहीं। क्या बात है सुंदर भाई, तुम्हारा सरप्राइज तो कमाल का है। तो ये थी टप्पू सेना की फरमाइश।
अरे माय डियर मेहता साहब, टप्पू सेना ने फरमाइश की थी तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। सुंदरलाल लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो नोटिस बोर्ड है ना वो अंदर की तरफ लगाया तुमने, तो क्या वो नोटिस नहीं हो रहा है यहाँ से? मतलब अगर मैं कुछ लिखूंगा तो लोग पढ़ेंगे कैसे? वैसे भी कौन पढ़ता है भाई, तू तो ऐसा बोल रहा है जैसा नोटिस बोर्ड ऐसा तिजोरी के अंदर लगा दिया और ऊपर से ताला मार दिया। अरे भाई दिख तो रहा है यहाँ से नोटिस बोर्ड। जेठालाल एक मिनट, जेठालाल यहाँ पर जो लोग हैं उनको नोटिस बोर्ड दिख रहा है वो यहाँ से पढ़ सकते, लेकिन मान लो अगर मुझे अपनी बालकनी में खड़ा रहकर नोटिस बोर्ड पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? ये जो बड़ा पिलर है वो बीच में आ रहा है ना, देखो अब देखो मैं तुम्हें दिख रहा हूं। बराबर दिख रहा है। नहीं नहीं चाचा जी, अगर मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ और मुझे अपने आप को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? अरे लेकिन तुझे अपने आप को अपनी बालकनी से देखना क्यों है भाई? अपने आप को देखना है तो आईने में देख। अरे आप समझ नहीं रहे चाचा जी, जेठालाल तुम समझ रहे हो ना, मैं वहां पे खड़ा रहकर नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ सकता, कैसे पढ़ पाऊंगा? लेकिन तुझे क्यों अपनी बालकनी से नोटिस बोर्ड पढ़ना है? तुझे तो मालूम है ना तूने नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है। हाँ, जब लिखेगा तभी पढ़ लेने का। क्या हुआ बोल? ए भाई ओ कुछ क्या बोलता है तुम्हीं? ए सोड़ी, सोड़ी को अगर अपनी बालकनी में से नोटिस बोर्ड पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेगा? ओ पिड़ू तू भी कमाल करता है, और तू तो मेरा पड़ोसी है, वो घर आके मुझे बता देना तूने नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है। अरे भाई भिड़े क्या छोटी छोटी बातों में नुक्स निकाल रहा है, मेरे साले ने इतनी बढ़िया सोसाइटी बनाई है उसकी खुशी मना? बरोबर बोल रहे हैं जेठा भाई। सुंदरलाल सोसाइटी को देखकर लगता है कि रिनोवेशन का काम ओवर बजट हुआ है। चलो आखिरकार आप लोगों ने मान तो लिया। मेरा बीड़ा सच ही कह रहा था, 5 लाख खर्च हुआ है। सही बात है भिड़े मास्टर, सुंदर भाई के जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं ना वो उनको मिलने चाहिए। अच्छा ख्याल है, ख्याल अच्छा है। ठीक है मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस नई सुंदर गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना सेक्रेटरी पुराना लेकिन एकमेव सेक्रेटरी सबके सामने जाहिर करता हूं कि तुम्हें बचे हुए 5 लाख रुपए और जो एक्स्ट्रा खर्च हुए वो 5 लाख रुपए कुल मिला के 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों भाई जेठालाल ठीक है? हाँ बराबर बराबर। हाँ लेकिन सुंदरलाल तुम्हें ये पैसे 3 दिन के बाद मिलेंगे। हाँ गिनने में 3 दिन लगेंगे भिड़े को। देखा मैंने कहा था ना, मेरा काम देखने के बाद आप लोग मुझे सामने से 5 लाख रुपए दे देंगे। बराबर है बराबर है। अब पता चला ना मेरे सुंदरी ने सच कहता था, वो जो भी कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। हाँ हाँ जज साहब, हाँ सब मान गए, सब वही तो बोल रहे हैं भाई। चल भाई हरिश्चंद्र अभी हमारी विंग जल्दी बता भाई। अरे भाई सुंदर अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है भाई, कब तक इंतजार कराओगे, हमारी विंग दिखाओ भाई। अब तो और बाकी कुछ बचा ही नहीं है, आपकी विंग दिखानी पड़ेगी। हाँ पड़ेगी मतलब कि वही देखने जा रहे हैं। माय डियर जिद्दा जी की विंग का पर्दा गिरने के बाद पता नहीं क्या होगा। लीजिए जिसका डर था वो भूकंप की घड़ी आ गई। भाई वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के आखिरी बॉल पे क्या हाल होता है, ठीक वैसा ही हाल इस वक्त जेठालाल का है। उनके मन में एक शंका जरूर है कि क्या होगा, और बगैर टिकट पैसेंजर के सामने टीटी आ जाए उस हाल में है सुंदरलाल। भाई सुंदर ने क्या गड़बड़ की है ये तो सिर्फ सुंदर ही जानता है, लेकिन इतना तय है कि इस पर्दे के पीछे हंगामे जरूर है, यानी कि गोकुलधाम का ये वन डे 2020 में बदलने वाला है। और 2020 यानी कि चौको छक्कों की बरसात, और गोकुलधाम यानी कि हंगामों की बरसात। अब क्या होगा, क्या की है सुंदर ने गड़बड़, और जब सुंदर की गड़बड़ जेठालाल देख
देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे और दया भाभी इन दोनों के युद्ध में क्या करने वाली है, यानी अगला एपिसोड धमाकों का, हंगामा को ठहाकों का। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।